हेलो फ्रेंड्स, हाय समस्त मोर नमस्कार। मोरिता रीतांध रोसे चैनल आपण समस्त मोर स्वागत। तो आज आम सगर गोटे बहुत बढ़िया रेसीपी बनवा जोटा कि टेस्ट भी लगे, पार्टी को क्रीमी भी लगे, माने जोटा नरम कहते आप बहुत ही नरम, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया भाव हो। आ समस्ते जिते वयस्क लोक था घर आपण मान जो मैंने भी था बहुत भल पाए, यहाँ निश्चित भाव आप घर थे बनातु, समस्ते बहुत खुशी हे। आई जो सगर एमती भाव निरा उपाय आपण के प्रायत करें, तो निश्चित भाव रेसीपीटी आरंभ शेष देखु आश्चित भाव यहाँ घर बनातु। तो चलतु ताप प्रस्तुति कौन कौन आम देखने। तो ये मुझ कखारु शी कखारु बोईतालु जोटा कहे आम, तो बोईतालु बा कखारु शागटा को आम रखीचे ये कखारु शाग को धुआधुई कर सफा कर नहीं चीज सारु आ कखारु को छोट छोट कर आम काटी भावे। तो शागटा को भी आपण भल भाव धोई ने धोईकि शीराटा जो अच्छी पचपटर ताक भल भाव आप बाहर करे परिष्कार भाव सबूतक धुआधुई कर एमती छोट छोट कर आप काटि। तो शागटा को भी आपण मैंने देखिले यहीपर भाव आम शागटा को रखीचे। तो ये शागटा भी कटाई पर आम नहीं चे कखारु आउ सारु सारु आ कखारु को भी छोट छोट कर शाग को भी काटि नहींचे। ये गोटे आम कड़े बसई ने कड़े प्रथम मु दुई मुठा मुग डाली को प्रथम भाजी ने भी भल भाव टी रंग आसवा पर्यटन आम भल भाव भाजी ने टे जमीक मुगर बास्नाटा बहुत बढ़िया आसपर भाव आम कौन कर मुग डाली को आम कड़े भाजीदे। तो कड़े को आपण जदि लो फ्लेम करनी ताती जाओ मुग भजाटी तो आम प्रस्तुत हो जाए। बर्तमान आम कौन करवा ये गोटे प्रेसर को बसई नहीं चे प्रेसर अध ग्लास मु पानी दे दे से पानी रे आम कौन करवा जो मुग भाजी थी से मुग को आम प्रथम देदे पा भी फुटिलानी। देखु ये आम जो पर छोट छोट कर प्रथम आम सारु कटा को देद कटाई सारु को आम प्रथम देदेले से मुग सहित सबुतक सारु देला आम जो कखारु तक काटी छोट छोट से कखारु तक भी आम से पानी रे प्रेसर कुकर मुगटा जमी सीझीज तले न लगे से आम पा देचे। तो आपण केमाणर बसाऊँ से हिसाब से आपड़ पाटा देवे पा अल्प ही दिंतु। तो देखते ये आम पा देचे कखारु तक भी आम आड कर सबुतक कखारु आम देद से सारु कखारु देला आम ये कौन करवा जो चुन चुन कटा आम शाग रखी से शाग को भी एम देद फुटी आसला बर्तमान कटा शाग को देद चलतु सबुतक शाग को भी देद आम ये भल भाव सबुतक गरम हो गला स्वाद अनुसार लुण देद सीझारे ही आम लुण देद प्रथम तो स्वाद अनुसार आम लुण दे दीचे ये टिके ना को हल्का भाव लुणटा को टिके मिसेवा दबा चारिआड़े तापर लीड को आम बंद करे हाई फ्लेम रे रखा गोटे सीटी आसला आम कौन कर फ्लेम को अफ करे आ संपूर्ण गैस गला आम लीड को खोल। तो गोटे सीटी आसी अलरेडी फ्लेम को आम बंद करे चलतु। बिडली सोरिष शुखिला लंका को आम फुटण पर नहींचे कड़े अल्प तेल देवा तेलटी गरम हो आसला आम फुटण को पकेबा। तो देखो तो बर्तमान फुटण को आम देचे सोरिष फुट बास्नाटा आसब जो आम कौन करवा से समय पर्यंत आम ये मिसा से शाग को धीरे धीरे कर देवा धीरे धीरे आम आड कर सबुतक पर भी देखु अधा मिली किंतु अधा टिके टिके अच्छी शागटा भी बहुत पूरा नरम हो जाए बहुत भल भाव सीझी जा शागटी परफेक्टली हो जा फुटण सहित आम मिसे ने भल भाव ये लो फ्लेम को टिके आम लो करदे टिके समय पर अल्प क्षीर नहीं अल्प क्षीर से मुझे अल्प टिके चावल चूना आड करी टिके चावल चूना आम आड करवा हाफ हाफ टी स्पून आम कौन करवा चीनी देवा आपको भल भाव गोटे मिसे ने तो चलते स्पून आम आपको भल भाव मिसे ने आपको शगरे आम आड करदे चलतु। बर्तमान ये आप निश्चित भाव देते यहाँ दे गोटे क्रिमिनेस आसे शगर जो रफनेस थाए गोटे
କଖାରୁ ଶାଗରେ ଗୋଟେ ରଫ୍ ରଫ୍ ଲାଗେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗେନି, ବହୁତ କ୍ରିମ୍ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ଆଧିରେ ଆମେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଛେ ଆଉ କଖାରୁ ସାରୁ ଦେଇଛେ, କଖାରୁ ସାରୁ ବି ବହୁତ ନରମ ହେଇଯାଏ, ଶାଗଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଟିରେ ଦେଲାକ୍ଷଣୀ ମିଳିଯାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆମ ଘରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହିପରି ବନାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା, ଘାଣ୍ଟୁଥିବା କାରଣ ଲାଗିଯିବ ତଳେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତରେ ମିଶାଇଦେବା, ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସାରୁ କଖାରୁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଛୁଙ୍କର ବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବି ବାହାର କରିନେବା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ନିଆରା ନିଆରା ରେସିପି ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାଏ ବାଏ।